के साथ। देवराज ने आखिर पीछा नहीं छोड़ा, आशियाना पर ताला लगा ही दिया। देवराज जोंक है जोंक, एक बार चिपक गया ना तो कौन चूस के ही छोड़ता है। चूसी तो लिया, फुटपाथ पर लिया इंद्रजीत के परिवार को। अभी पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि फुटपाथ पर लिया है। क्यों नहीं कह, अभी बचाई क्या है? दामिनी के मामा अभी और वो वकील है, ये तो आप जानते ही है। बेचारा वकील खुद ही अंदर है। देवराज ने ऐसा केस बनाया है कि चारे की जमानत भी नहीं हो पा रही है। हाँ, लेकिन कब तक अंदर रहेंगे? कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही ना। तब तक तो देवराज इतना कुछ कर लेगा कि बेचारे हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। अंकल, प्रॉपर्टी के केस तो ऐसे होते कि 10-10 साल 20-20 साल तक चलते रहते। मोहन जी तो वकील है ही, वो इतनी आसानी से देवराज को आशियाना हड़पने नहीं देंगे। ठीक है, हम वो भी देख लेंगे। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि दामिनी की हालत बहुत खराब है, उसके पिता हॉस्पिटल में है, उसे 100% पैसे की जरूरत होगी। तुम जाकर मिलो उसे और पता करो कितने पैसे की जरूरत है, हम उसकी मदद करेंगे। अंकल, जहां तक मैं दामिनी को जानता हूं, वो मदद नहीं लेगी। बहुत खुद्दार लड़की है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी कमजोरी है। रजत, बुरा वक्त एक ऐसी चक्की है जिसमें अच्छे अच्छों के नियम, खुद्दारी आदर्श इतनी बारीकी से पिस जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। तुम जाओ उनसे मिलो, मुझे बताओ। आप कहते हैं तो मान लेता हूं, सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। अरे कोशिश करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दामिनी की मदद करूं भी तो कैसे करूं? मैं तो सोच सोच के थक गई। अमृता, वो बहुत जिद्दी है, इंसान को भी नहीं होना चाहिए। नहीं, दामिनी जिद्दी लड़की नहीं है, जो नियमों का पालन करते हैं लोग हमेशा जिद्दी कहते हैं। जो खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं, लोग उन्हें बददिमाग कहते हैं। लेकिन हमारी दामिनी, वो तो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी है। देखो, मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं, लेकिन इंसान को वो नियम तो कभी ना कभी तोड़ना ही चाहिए जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचता है। पर नुकसान क्या, वो कितनी तकलीफें झेल रही है। तकलीफों का सामना करके जो सामने हारते नहीं, जो अपना सर नहीं झुकाते, वही लोग तो दुनिया में मिसाल बन जाते हैं और दुनिया उनका नाम लेकर गर्व करती है। देखना, दामिनी सिर्फ अपना ही नहीं, अपने माता पिता का नाम भी इस दुनिया में रोशन करेगी। आप देखते रहिएगा। चाचा जी, अब जाकर ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ मिली है। शानदार फ्लैट है, गाड़ी है। फ्लैट खरीद लिया है? देवराज अंकल ने जो अपने हिस्से का एडवांस दिया था उससे हमने फ्लैट ले लिया, बाकी लोन उठा लिया। अब जब वो बाकी का हिस्सा देंगे तो उससे हम अपना लोन खत्म कर देंगे। सच्चा सर, आप नहीं होते ना तो हम वहीं घुटते रहते, भी नहीं बना पाते। ये तो तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर कैसे बनेगा? मैं समझा नहीं। पापा की और भी प्रॉपर्टी है, उनका भी फैसला कर दो। हाँ, आप मिल की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारे ही हाथ में है, बस पापा की वजह से खामोश था। वैसे भी मजदूरों को सब पता चल गया है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मिल नहीं बिकेगी, तो समझिए हमारा काम हो गया। मिल अगर कुछ दिन बंद रहेगी तो उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि उसकी मशीनें सिर्फ स्क्रैप में बिकने लायक रह जाएगी, और जब मशीनें नहीं चलेगी तो मिल का बिकना लाजमी है। ऐसा हो जाए चाचा जी तो मजा आ जाए। ऐसा होकर रहेगा, आशियाना के हिस्से से तुमने फ्लैट खरीदा है, अब मिल के हिस्से से तुम आने वाले कल में महल खरीदोगे। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर राज करेगा, राज। चाचा जी आप कितने अच्छे हैं,
अपने भतीजे और अपने पोते की कितनी चिंता करते हैं। जो मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए सोचना चाहिए वो आप सोच रहे हैं। तुम्हें भी एक बात सोचनी चाहिए अखिल, हमारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। जाते रहोगे तो हाजिरी लगती रहेगी और मार्क्स भी नहीं कटेंगे, वरना फेल हो जाओगे और दामिनी को बोलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब करने की बात नहीं है, हमारा हिस्सा तो घर बैठे ही मिल जाएगा। बात वो नहीं है अखिल, बात वो नहीं है। किसी ने कहा है कि जब तक आदमी मर नहीं जाता, मरा घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक भरोसा बना रहता है। मरा घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक भरोसा बना रहता है। इस बात का भरोसा मैं समझा नहीं। भैया कोमा में है। वैसे तो मरीज जब कोमा में होता है तो कई सालों तक कोमा से बाहर नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हारे पापा कोमा से बाहर आ गए तो हमारी प्लानिंग कोमा में चली जाएगी। एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर्स क्या कहते? पापा कोमा में है रजत, जब तक पापा कोमा से बाहर नहीं आ जाते तब तक डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो जाएगी। इसे रात में कौन रुकता है इनके पास? मम्मी और मैं, हम दोनों हॉस्पिटल में रुकते हैं, हमारे अलावा कौन रुकेगा रजत? तुम तो सब जानते ही, घर में मम्मी और पापा के सिवा हमारा किसने साथ दिया है। हाँ, बाहर वालों ने कभी कभी साथ दिया है, पहले भी दिया है और अब भी देंगे। खुराना साहब ने मुझे खास तौर पर तुम्हारे पास भेजा है ये पता करने के लिए कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं रजत, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ तो बात बात पर पैसे लगते हैं। रजत, तुम मेरे पापा को देखने आए हो या खुराना की मेहरबानियों की वकालत करने आए हो? वकालत वालों की मेहरबानियां सौदा है, मुझे ना ही उनकी मेहरबानी की जरूरत है किसी तरह की मदद की। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं करता, मगर मुझ पर भरोसा है ना तामी? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे जब भी मिला निस्वार्थ मिला। दोस्ती एक अलग तरह है, हम वो दोस्त हैं जो एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो रजत? बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तुम्हें जरूर बताऊंगी। एक बात और कहूँ, बुरा ना मानो तो? नहीं मानूंगी, बोलो। वादा करो, और किसी से कहोगी भी नहीं? बोलूंगी। मुझे ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता, बल्कि देवराज की एक लगती है। ये कोई नई बात थोड़ी है रजत, बगैर सोचे समझे वो बात कहो जो दिल में है। दामिनी, देवराज तुम्हारे पापा को मारना चाहता था लेकिन वो बच गए। मैं ऐसा ना हो कि कल वो तुम्हें मुझ पर हमला नहीं करवा पाए। रजत, एक बार मैं संभल जाऊं फिर उन बाप बेटे को अच्छी सबक सिखाऊंगी। देखिए, 10 आप लोगों को भी और आप लोग जान में जो भी आता है उन सबको भी, कि पेशेंट जब तक कोमा से बाहर नहीं आ जाता हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और पेशेंट के कोमा से बाहर आने के बाद इलाज के लिए 10,00,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, फिलहाल हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम लोग 10,00,000 का इंतजाम कर सकते। मेरा नहीं है, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, और एक बात आपको साफ साफ बता दूँ, इस हॉस्पिटल से मदद की कोई उम्मीद मत रखिए।
अगर आप ही ऐसी बात करेंगे तो जरूरतमंद लोग कहाँ जाएंगे? देखिए आपकी बात सही है, अगर ये हॉस्पिटल मेरा होता तो शायद मैं कुछ करता। हॉस्पिटल के ऑनर और डॉक्टर्स पूरी तरह से प्रोफेशनल है, उन पर किसी के आंसुओं और दर्द का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर साहब कोई तो रास्ता होगा, उम्मीद होगी। सिवाय पैसे के कोई रास्ता कोई उम्मीद नहीं। आई एम सॉरी। भगवान कहां से मैं इतने पैसों का इंतजाम करूं, किससे मदद, कौन सुनेगा मेरी, कौन मेरे हालात को समझेगा? आंटी आप यहाँ क्या बात है? बेटा कभी कभी इंसान कीचड़ में भी उतरना पड़ता। बेटा आंटी आपके मुंह से ये शब्द सुन के बहुत खुशी हुई। ऐसे छोटी छोटी खुशियों के सहारे ही पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन आंटी आप देवराज साहब के ऑफिस में कुछ खास काम है क्या? सुना है दुश्मनी अगर खत्म करनी हो तो दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ देना चाहिए। आंटी अगर दुश्मन समझदार हो तो, लेकिन अगर वही दुश्मन दोगला और धोखेबाज इंसान हो ना तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ आपने दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया वो हाथ कट जाए। कोशिश करने आई हूं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है मेरे पास। आंटी आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, मम्मी हॉस्पिटल गई थी लेकिन दामिनी ने कोई भी हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल अपने पापा पर गई है, खुददार और जिद्दी। बिल्कुल अपने पापा पर गई है, खुददार और जिद्दी। लेकिन जिंदगी में हर काम खुददारी और जिद से तो नहीं होता है ना बेटा, वक्त के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। कोशिश करके देखिए आंटी, अगर देवराज साहब दुश्मनी भूल जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक हो जाए। बस हो जाएगी आंटी। देवराज भाई साहब जी यही यही कैबिन आंटी उनका। क्या बात है, आज हिरन एक शेर के इलाके में। यहां आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? मेरी मजबूरी मुझे यहां लेकर आई है। तो यहां आने से पहले आपने ये भी जरूर सोचा होगा कि उस आदमी की ऑफिस में मैं कैसे जाऊं जिसकी बहन की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। मेरे चाहने वाले इंदर ने मेरी ही वजह से सुषमा की चाहत को ठुकरा दिया था। और यह भी सोचा होगा कि सुषमा जवानी से लेकर अब तक आंसू बहा रही है और अपनी जिंदगी को कोस रही है। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं कुछ जानती हूं। तो बिना जाने ही तुमको सोचती होगी कि इसमें इंदर से सुषमा प्यार करती थी ये तो मैं जानती ही नहीं थी। बात तो इंदर जीत है, उसने कसूर किया है, जुर्म उसने किया है तो सजा वही भुगते, मैं क्यों भुगतूं? राइट,
यही सोचकर यहाँ आई हो ना? जी नहीं, मैं यहाँ अपने पति के लिए आई हूँ। ओहो, तो एक पत्नी के आवाज दी होगी। ये पति का दुख हो, जुर्म हो या पाप हो, हर पत्नी को हिस्सेदार तो बनना ही पड़ता है। फिर एक आखिरी ख्याल ने झिझोड़ कर रख दिया होगा, आवाज दी होगी कि लेकिन तुमने और तुम्हारे पति के आशियाना न देने की जिद, तुम्हारी अपनी बेटी एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। बस बस कीजिए भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आपका एक एक शब्द सही है। मैं खुद भी यही सोच रही थी, मेरे जमीर ने मुझे हिला कर रख दिया है। मैं खुद जिम्मेदार हूं अपनी बच्ची को लाश बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको आशियाना देने आई हूं। यही जिद थी ना आपकी? जिद? जिद नहीं, बदला है, जीत है, दुश्मनी है जिसे मैं निभा रहा हूं। मिसेस इंद्रजीत, आशियाना तो मैं कब करने चुका हूं। मिल क्या हुआ? पैरों तले जमीन निकल। देवराज भाई साहब, भगवान की दी हुई एक जमीनी तो बची है, सब तो निकल ही चुका है, एक मिल बची थी, अब वो भी निकल जाएगी। तो मिल दिलवा दोगी? दिलवानी किससे है, वो मेरी है। फैसले तो दामिनी लेती, उसे पूछ लिया। आशियाना के लिए तो सब कुछ खो दिया, अब मिल के लिए खोने को कुछ बचा नहीं है। समझा देना उसे। छा दूंगी उसे। मिल मेरे हाथ आते ही दुश्मनी खत्म। लेकिन वो साइन तुम्हें जल्दी लेने पड़ेंगे, कहीं वो मर गया तो। देवराज, मत भूलिए कि हर औरत सीता माँ होती, लेकिन अगर राक्षसों का सर्वनाश करना पड़े ना तो वो काली माँ का भी रूप धारण कर लेती है। वो रूप तो मैं देख चुका हूं, आप इंद्रजीत की पत्नी हैं, बस वही बनकर रही है। मुझे मिल दिलवा दीजिए, उसके बाद आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। इसीलिए तो हिंदुस्तानी नारी पूरे संसार में मशहूर है, अपने परिवार के लिए अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी खूबी यही है कि वो कभी गलत काम करती ही नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग तो यही कहते हैं कि इंसान, कोई परफेक्ट इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो यही कहती हूं, बल्कि दावे के साथ कह सकती हूं कि दामिनी परफेक्ट है। अमृता, इस वक्त तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं मैंने मदद के लिए पूछा नहीं होगा? तो फिर क्या कहा उसने? इसके अंदर इनकार कर दिया कि मैं जिद भी नहीं कर पाई। आंटी तो देवराज साहब से आई थी।
रचना ऑफिस आई थी? हाँ, बहुत देर तक मुझसे बातें भी की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब रचना ने तुमसे खुद कहा कि वो देवराज से मदद मांगने आई है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा।